है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज और मैं हूं आपके साथ मनाल खान। मेडिकल कॉलेज में शव वाहन न होने के कारण 2 घंटे तक सरकारी ट्रामा सेंटर में पड़ा रहा शव। सरकारी शव वाहन लेने गया था ऑक्सीजन। मेडिकल कॉलेज में शव वाहन होने के बावजूद शव को ऑटो से पहुंचाया पोस्टमार्टम गृह। पूरा मामला थाना रसूलपुर क्षेत्र आशाबाद फाटक का है, जहां एक व्यक्ति की सुबह ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। उसका बेटा आनन फानन में व्यक्ति को इलाज के लिए सरकारी ट्रामा सेंटर लेकर आया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करने के बाद शव 2 घंटे तक सरकारी ट्रामा सेंटर में ही रखा रहा। शव को पोस्टमार्टम गृह पहुंचाने के लिए शव वाहन को फोन किया, लेकिन शव वाहन नहीं पहुंचा क्योंकि शव वाहन ऑक्सीजन पहुंचाने सरकारी अस्पताल गया था। सामने से ऑटो आता देख लोगों ने जबरदस्ती शव को उसमें रखकर पोस्टमार्टम गृह पहुंचाया। इतनी बड़ी लापरवाही फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में दिखाई दी। सरकारी शव वाहन होने के बावजूद शव को ऑटो से पोस्टमार्टम गृह पहुंचाया। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है बेटा? धीरज। बेटा आप अपने पापा की बॉडी कैसे लेके आए हैं? यहाँ पर इस ऑटो पर से। तो वो एम्बुलेंस नहीं मिली थी? नहीं मिली। कितनी देर लाश पड़ी रही थी वहाँ पे? 2 घंटे। कहाँ पे? आशाबाद चौराहे पे। अरे ये नाम है, मैं भूल जाता हूँ, ट्रामा सेंटर। तो किसी ने खबर नहीं ली? नहीं। अब यहाँ पोस्टमार्टम के बाहर खड़े हो, कोई आ नहीं रहा बॉडी रखवाने? नहीं। कितनी देर हो गई यहाँ खड़े? करीब हो गए 1 घंटे। अब्दुल्ला, क्या करते हो? ऑटो चलाता हूँ। क्या हुआ था, बॉडी कैसे रख के लाए? मैं भाई दूसरा मरीज लेकर आया था यहाँ पर एमरजेंसी में, ट्रामा सेंटर एमरजेंसी में दूसरा मरीज लेकर आया था। तो मुझसे बोला मरीज ले आना अंदर, तो मैंने ठीक है। तो मैं जो मरीज लेकर आया था उसके लिए दवा लेने गया बाहर चौराहे से। चौराहे से लौट के आया तो मेरी गाड़ी में बॉडी रख दी। किसने रख दी? साथ में हवलदार था और 2-3 लोग थे। यहाँ सब वाहन है, वाहन सबों को लाने के लिए वो नहीं आया था? एम्बुलेंस वगैरह नहीं आई, जब मेरे ऑटो में लाद दी उन्होंने, एम्बुलेंस कहाँ लाएंगे फिर वो। अच्छा, आप यहाँ कब से खड़े हैं? अभी ऑटो लेकर, बॉडी लेकर तो मुझे करीब 8-5 घंटे करीब। नहीं, जबरदस्ती रख दी थी कि आपने कहाँ रख दी? मेरे को बोला था मरीज जाएगा तो मैं ले जाऊँगा मरीज। तो मैं जब मैं दवा लेकर लौट के आया तो गाड़ी में बॉडी थी। जब आपकी गाड़ी में रखा गई थी, इलाज रखी गई थी, तो एम्बुलेंस थी वहाँ पे? माँ एम्बुलेंस थी। खुल गया, खुल गया, खुल गया। अब आपके शहर में इको व्हील्स आधुनिक तकनीक से तैयार किए बैटरी चलित वाहनों का शोरूम। बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों की परवाह नहीं, सहारा इवॉल्व्स इलेक्ट्रॉनिक वाहन। आरटीओ रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस का झंझट नहीं, फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। वाहनों की विशेषताएं: 20 पैसे किलोमीटर बिजली का खर्च, रिवर्स गियर, ब्लूटूथ, एलईडी हेडलाइट, इको स्पीड मोड, 3 घंटे में बैटरी चार्ज, ट्यूबलेस टायर, बॉटल होल्डर, यूएसबी चार्जर, डिजिटल मीटर, 60 किलोमीटर की स्पीड, इलो व्हील, 3 साल की वारंटी, सराउंड स्पीकर और भी कई विशेषताएं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: नगला बरी चौराहा निकट लक्ष्मी हॉस्पिटल। मोबाइल नंबर 8439786525 और 9412266508।